हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि फूड रिसोर्सेज क्या होता है, और फूड रिसोर्सेज से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फूड, फूड का डेफिनेशन क्या होगी। देखो, फूड कोई ऐसी चीज जिसको हम कंज्यूम करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनको हम फूड रिसोर्स या फूड बोलते हैं। अब दो तरीके के न्यूट्रिशन आपको मिल सकते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको मिल सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे फूड की डेफिनेशन दूं तो ऐसी कुछ डेफिनेशन होगी, समथिंग दैट एनिमल ईट फॉर एनर्जी एंड नरिशमेंट। कोई ऐसी चीज जो कि आपकी नरिशमेंट के लिए आप खाते हो और आपके एनर्जी के लिए आप कंज्यूम करते हो, इसको हम फूड बोलते हैं। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरीके से हम कंज्यूम करते हैं। उन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। किस-किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है? सबसे पहले होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। कौन-कौन से होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? माइक्रो मतलब विटामिन एंड मिनरल्स जो हम कंज्यूम करते हैं थ्रू द आप बोल सकते हो वेजिटेबल्स के थ्रू आप इसको कंज्यूम करते हो। तो ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद में जो आता है वो होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे आप बोल सकते हो न्यूट्रिशन है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा। जैसे कौन-कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा अमाउंट में, आप पूरे दिन को देखो, कैलकुलेट करो, आप ऐसी चीज कौन सी होती है जो ज्यादा अमाउंट में खाते हो पूरे दिन में, आप कौन सी ऐसी चीज होती है जो मैक्सिमम अमाउंट में आप कंज्यूम करते हो, तो वो आपके सामने निकल के आएगा कि हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये तीन ऐसी चीजें होती है जो हम बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो न्यूट्रिशन होता है वो दो फॉर्म में लिया जा सकता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में आप कंज्यूम करते हो, और मैक्रो का मतलब होता है जो आप मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में खाते हो। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया, फैट बताया, प्रोटीन बताया, ये सारे के सारे क्या है? ये आपके क्या है? कंप्लीट आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है। समझ में आ गया। अब हम आगे मूव करते हैं कि फूड तो समझ में आ गया, फूड रिसोर्स भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फूड के रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ से आप फूड को ले सकते हो। तो सबसे पहले हमको पता है कि प्लांट बेस्ड फूड एक होता है, प्लांट से आपने फूड को ले लिया, प्लांट बेस्ड फूड प्लांट से खा लेते हैं। जैसे कोई भी वेजिटेबल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो वो भी प्लांट बेस्ड फूड में ही आता है। एग्जैक्टली, प्लांट बेस्ड फूड में आता है। वेजिटेबल्स हो गया, वीट हो गया, तो कोई भी चीज जो आप प्लांट से कंज्यूम कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे प्लांट बेस्ड फूड ही बोलेंगे। दूसरी चीज जो होती है वो होती है आपके यहाँ पे एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होकर हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं एनिमल बेस्ड फूड। जैसे कौन सी चीज होगी जो कि एनिमल बेस्ड फूड होगी? मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ये सारे ऐसे हैं जो एनिमल बेस्ड, मतलब एनिमल से लेते हैं और हम इनको कंज्यूम करते हैं। क्लियर आ गई बात समझ में? तो एनिमल बेस्ड फूड, ये आपको मिल्क हो गया, ये सब कुछ मिल गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपका इंप्रूवमेंट। अब फूड पता चल गया, फूड कहाँ से लेना है ये समझ में आ गया, और अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि क्या है? अब हम देखेंगे यहाँ पे इंप्रूव कैसे करें फूड रिसोर्सेज को। जो फूड देख लिया, फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन देख लिया, फूड कहाँ कहाँ से, एक प्लांट से मिल सकता है या फिर हम एनिमल से कंज्यूम कर सकते हैं। कोई भी खाना है यार, सीधी बात है, कोई भी खाना है जो आप कंज्यूम कर सकते हो, या तो वो प्लांट से आप ले रहे हो या फिर आप किसी एनिमल से ले रहे हो। मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये तो आपने एनिमल से ले लिया। और दूसरा आपका प्लांट बेस्ड फूड, जो कि आपके जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सारे के सारे, जैसे वीट हो गया, आपके वेजीज हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो सारे प्लांट बेस्ड फूड है। तो अब इन सारे के सारे क्या था, फॉर एग्जांपल बहुत सारी पॉपुलेशन है, सबको फूड तो चाहिए चाहिए टू सर्वाइव। अब अगर आपको अच्छे से एनिमल बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड फूड अगर अच्छे से नहीं मिला तो क्या होगा, आपकी आधी पॉपुलेशन अच्छे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनको वेल न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा टाइम पे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे जो जरूरी चीज है वही करनी पड़ेगी, यू हैव टू इंप्रूव द फूड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास में प्लांट बेस्ड फूड है, एनिमल बेस्ड फूड है, उसको जस्ट इंप्रूव कर दो। तो हम थोड़ी हिस्ट्री पे देखते हैं कि कैसे हमसे पहले, क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ होगा, इंडिया आजाद हुआ होगा, उससे पहले ये हालत तो नहीं हुई होगी जो अभी है, उससे तो बेकार हालत थी उस टाइम पे, क्योंकि अंग्रेजों ने जम के लूटा था हमको। तो हमारे पास में अच्छे से न्यूट्रिशन लेने के लिए भी, मतलब इंडिया के पास में उतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेस में न्यूट्रिशन भी कंज्यूम कर पाए। तो किस तरीके से उसको इंप्रूव किया गया, कौन कौन से रेवोल्यूशन आए और अभी कौन से रेवोल्यूशन की जरूरत है हमारे देश में फूड के इंप्रूवमेंट के लिए, तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इंडिया जो है एक पॉपुलस सिटी है, मतलब पॉपुलस कंट्री है, बहुत बड़ी, एक छोटी छोटी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और आपको पता है कि 130, 135, 140 करोड़ लोग आराम से यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है, और बाहर के लोगों को भी अगर इंक्लूड कर लो तो आराम से 150 करोड़ लोग यहाँ पे इंडिया में आराम से एक दिन में रहते हैं और खाते हैं। एक दिन में इंडिया का जो कंजप्शन है वो 150 करोड़ लोगों का है। तो 150 करोड़ इंसानों को खाना तो जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि 50 करोड़ एक दिन खाएंगे, 50 करोड़ एक दिन खाएंगे, 150 करोड़ लोग रोज खाना खाते हैं। और रोज खाने खाने के लिए उनको अच्छा क्या होना चाहिए, फूड रिसोर्सेज होने चाहिए। फूड रिसोर्स अच्छे होने के लिए हमें उन फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। उनके पेट भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से उनको इंप्रूव करके रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो, सरप्लस में आपके पास में चीजें हो, जो सबको न्यूट्रिशन मिल सके, सब सर्वाइव कर सके, सब जिंदा रह सके। तो यहाँ पे बात आती है कि इन प्रॉब्लम्स को, मतलब जो आपके फूड रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी उनको इंप्रूव करने के लिए कुछ कदम उठाए गए पहले हिस्ट्री में। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन आया, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया जाएगा। फिर येलो आया, फिर उसके बाद में आपका कौन सा आया, ब्लू रिवोल्यूशन, जिसके अंदर फिश वगैरह को इंप्रूव किया गया। तो ये सारे के सारे रिवोल्यूशन हम देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसकी जरूरत मेरे को लगता है आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, सब कुछ ढंग से चल रहा है, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं उनके
जो मुद्दे होते हैं, या तो उनको जो वैल्यूबल जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो उनका प्रोडक्ट है, जो भी वो उगा रहे हैं, उस हिसाब से उनको चीजें नहीं मिल रही हैं। मिलनी चाहिए, एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। कब आया था, किसने किया था, अच्छे से समझते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड इन 1960 के अंदर, 1960 के अंदर आया था, जो कि आप बोल सकते हो हाई यील्ड। क्या हो रहा था 1960 से पहले, क्या हो रहा था जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए, तो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था सिस्टम। मतलब देर वॉज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि यहाँ पे फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोगों में खाना कैसे बटेगा, लोग कैसे जिएंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। बड़ा ही फेमस नाम है स्वामीनाथन, इनका नाम है स्वामीनाथन। इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग की। इन्होंने सोचा कि हमारे देश के अंदर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जिसकी वजह से सब खेती करें, और खेती सिर्फ ऐसे ना करें, ट्रेडिशनल वे में ना करें, अच्छे से करें, जिसके जो खेती से यील्ड, मतलब जो फसल पैदावार निकल के आए, उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिशन भी हो, उसके अंदर अच्छा प्रोटीन फैट जो भी चाहिए वो सब कुछ अच्छा हो, और ज्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर इन्होंने फोकस किया। क्योंकि उस टाइम पे क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और क्वांटिटी भी अच्छी नहीं थी, लोगों तक अच्छे से फूड नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ जगह पे बहुत ज्यादा फूड था, कुछ जगह पे बिल्कुल फूड नहीं था। तो इन्होंने इसी क्वालिटी को क्या किया, बराबर करने की कोशिश की। तो इनका नाम है एन स्वामीनाथन, याद रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के नाम से इनको जाना जाता है। कब स्टार्ट हुआ था, 1960 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये दो बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है आपकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट मतलब सफेद, सफेद क्या, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिवॉल्यूशन हुआ होगा। एक्जैक्टली, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिवॉल्यूशन हुआ था। कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था, व्हाइट रिवॉल्यूशन। कब हुआ था वो देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के अंदर हुआ, मतलब 1960, एन स्वामीनाथन ने किया टू इंप्रूव द यील्ड, टू इंप्रूव द फूड रिसोर्सेस, कौन से, जो कि खेतों में उगते हैं, प्लांट से मिलते हैं। लेकिन जैसे दूध हो गया, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रिशन का पार्ट है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। हमने देखा कि हम खाना दो जगह से लेते हैं, एक तो एनिमल से खाते हैं और एक प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट से हमने कर दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे हमारी जो प्लांट से मिलने वाले जितने भी आपके फूड रिसोर्स थे उनको इंप्रूव करने लगे हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आया। अब क्या हुआ था, जो अमूल कंपनी थी आपकी, वो इसी ही रिवॉल्यूशन की वजह से बनी थी। हाँ जी बिल्कुल, जो अमूल कंपनी थी वो व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से ही, सर वर्गीस कुरियन करके उनका नाम था, ये आप उनकी फोटो देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये रहे सर वर्गीस कुरियन, इन्होंने अमूल बनाया था, ठीक है, अमूल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। जैसे 1960 के अंदर आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो रहा, चला अच्छे से, तो उसके बाद में तुरंत 1970 के अंदर आपके देश में आया व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद में कौन सा रिवॉल्यूशन आएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद में यहाँ पे आता है येलो। येलो मतलब जितने भी आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, इसको इंप्रूव करने की जरूरत थी। तो इन सबको इंप्रूव करने के लिए बोल सकते हो कि सरकार या प्राइवेट पार्टीज की तरफ से एक रिवॉल्यूशन नाम से एक बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट चलाई गई, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, सरप्लस में होने लगी चीजें और लोगों को वो मिलने लग गई। तो इस तरीके से येलो रिवॉल्यूशन आया। येलो कब आया, देखो 60 में वो आया, 70 में आया, और उसके बाद में येलो आया आपका 86 के अंदर। तो 60 में आया आपका ग्रीन, तो सबसे पहले ग्रीन को प्रायोरिटी दी गई 1960 में। फिर 70 में आया आपका व्हाइट, और उसके बाद आया 86 के अंदर आपका येलो रिवॉल्यूशन। इसके अंदर किसने दिया येलो रिवॉल्यूशन, तो सैम पित्रोदा, ठीक है, ये सैम पित्रोदा एक रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करने वाले, इनिशिएट करने वाले आदमी थे। इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल की, या फिर बोल सकते हो कि जितने भी ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी इंप्रूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन जो है वो रिलेटेड है आपके फूड इंप्रूवमेंट, या फिर बोल सकते हो कि डायरेक्टली आपके वेजिटेबल ऑयल्स के इंप्रूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो येलो रिवॉल्यूशन समझ में आया, यस समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू मतलब क्या है, यहाँ पे फिश, मतलब जो मछली होती है उसका जो प्रोडक्शन था, देखो कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फिश एक फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो इसको भी इंप्रूव करने की जरूरत थी। तो 85 के अंदर ये आपका ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। किन्होंने किया, 5 ईयर प्लान के अंदर होता है ये, है ना, जो 7th 5 ईयर प्लान के अंदर आपका ब्लू रिवॉल्यूशन को इंक्लूड किया जाता है। 7th 5 ईयर, देखो 5 ईयर प्लान कांग्रेस ने चलाए थे, और ये जो था वो 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से 1990 तक। तो ये किन्होंने चलाया था, ये आपके चौधरी साहब थे, हीरालाल चौधरी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। इन्होंने फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव करने के लिए, और क्या हो रहा था, देखो दूध का जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया वो भी कैसे आया, 70 के अंदर आया, वो इसलिए आया कि गांव में दूध सरप्लस में था, इतना हो रहा था कि लोगों से खत्म नहीं हो रहा था, और शहरों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, एक चेन बना दी कि गांव से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में होगा, तो इन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी। इसी तरीके से सैम पित्रोदा ने भी स्टार्ट किया। इसी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी काम यही था कि क्वांटिटी और क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, तीन चीजों पर काम किया जाता है किसी भी रिवॉल्यूशन के अंदर। अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होना क्वालिटी के साथ, और जो बना है उसको पूरे देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये रिवॉल्यूशन के मामले थे। अब रिवॉल्यूशन मैंने बताया क्यों आया, फूड होता है जो दो चीजों से, वापस मैं वही बोलूंगा, फूड जो होता है वो दो दो चीजों से लिया जाता है। एक तो लिया जाता है एनिमल से, जो कि होता है उसका मीट, उसका एग, उसका मिल्क, और एक होता है आपके प्लांट से। जो अब प्लांट बेस्ड जो फूड होता है वो आपकी खेती से बनता है, और एनिमल बेस्ड जो फूड होता है वो आपके फिश हो गया, आपका मिल्क हो गया, एग हो गया। तो इनको इंप्रूव करने के लिए हमारे देश में कुछ रिवॉल्यूशन आए आफ्टर आवर फ्रीडम, हमारे देश की आजादी के बाद में। सबसे पहले ग्रीन आया, व्हाइट आया, येलो आया, ब्लू आया, इस तरीके के रिवॉल्यूशन हमारे देश के अंदर एक क्रांति लेके आ गया, जिससे हमारे सरप्लस चीजें होने लगी, नहीं तो यह भुखमरी पड़ रही थी। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब किस तरीके से, अब ये तो देख लिया आपने हिस्ट्री ऑफ द
इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, मतलब किस तरीके से आपने रिवोल्यूशन की वजह से हमने क्रॉप को बढ़ाया, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया, मीट प्रोडक्शन को बढ़ाया। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट होता है चैप्टर विद क्रॉप यील्ड। अगर आपको क्रॉप की यील्ड मतलब फसल की पैदावार कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम, तो देर आर थ्री मेथड, तीन तरीके हैं। क्रॉप मतलब आपकी जो फसल है, यील्ड मतलब पैदावार, तीन तरीकों से, देर आर थ्री मेथड, तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, यील्ड मतलब पैदावार को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। पहला क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, वैरायटी इंप्रूवमेंट समझाऊंगा क्या होता है, दूसरा होता है क्रॉप प्रोडक्शन, और तीसरा होता है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। देखो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जब आप फसल उगा रहे हो तो उसकी वैरायटी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा, मतलब आपको अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरीके की फसल उगानी पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो ऐसे बीज के साथ प्रोड्यूस करो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छी हो। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी पार्ट, आपको आपका अल्टीमेट गोल क्या है, क्रॉप की यील्ड को मतलब जो फसल है उसकी पैदावार को बढ़ा देना। तो फसल की पैदावार कैसे बढ़ेगी, आपने उगा लिया लेकिन आपने अगर उसको फेंक दिया या फिर जानवरों ने खा लिया, चूहों ने खा लिया, तो नहीं बच पाएगा ना, क्रॉप की यील्ड तो अल्टीमेटली बढ़ी नहीं ना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब तक उसका कंजप्शन नहीं हो जाता। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे एक एक चीज को अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। देखो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज अ प्राइमरी स्टेप टू इंप्रूव द फूड क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर पहला जो स्टेप होता है वो क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना है। मैंने बताया तीन तरीकों से किया जा सकता है, फसल की पैदावार को तीन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका होता है क्रॉप वैरायटी। देखो क्रॉप वैरायटी का मतलब क्या होता है, ये देखो, इट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप विद डिजायर ट्रेड सच एज, जैसे हायर यील्ड, मतलब आपने जो बीज डाला, ये आपका खेत है मान लेते हैं, लेट मी रेज दिस, ये आपका खेत है, आपको यहाँ पे एक फसल उगानी है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक फसल उगानी है। अब अगर आपने बीज जो डाला है, जो बीज आप डालोगे वो बीज ऐसा होगा कि वो हायर यील्ड देगा, मतलब उससे उगने वाला पेड़ जो होगा वो ज्यादा पैदावार देता हो। दूसरा इंप्रूव क्वालिटी, आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ऐसा हाइब्रिड आपने बनाया है कि उसकी जो क्वालिटी आएगी, जो नई यील्ड आएगी वो अच्छी होगी। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, जो प्लांट उगेगा उसके ऊपर कीड़े लगेंगे तो उसको नहीं खा पाएंगे, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होंगी। नेक्स्ट, ये सारा होगा कैसे, ये सारा होगा साइंटिफिकली, सब कुछ साइंटिफिकली होगा। नेक्स्ट, चेंज इन द मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब पहले एक 6 महीने लग जाते थे, अब 1 महीने में ही पूरा का पूरा क्रॉप पीरियड को खत्म कर पा रहे हो, मतलब एक फसल 1 महीने में पक के तैयार हो जा रही है। तो इस तरीके से आप वैरायटी इंप्रूव कर सकते हो, पहला मेथड यही होता है, सबको पता है। वाइडर अडेप्टिबिलिटी, कहीं भी उगा दो आप, चाहे सर्दी में उगाओ, गर्मी में उगाओ, कहीं पे उग जाएगा, ऐसा बीज आपको बनाना पड़ेगा क्रॉप को यील्ड को बढ़ाने के लिए। पहला मेथड तो यही हो गया, ठीक है, और जैसी आप चाहते हो वैसी फसल आपको मिल जाएगी। मोटा मोटी बात यही है कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर आपको यही देखना है कि किस तरीके से आप, कैसा बीज आप लेके आते हो जिससे अच्छे से अच्छा प्लांट ग्रो करे। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब आपने उगा तो दिया, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो प्रोडक्शन, किस किस तरीके से आपने जो बीज लेके आया वो डिसाइड कर दिया कि अच्छा है, इससे सब कुछ अच्छा होगा, प्लांट अच्छा आएगा, इसको कीड़े नहीं खाएंगे, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, सब कुछ कहीं पे भी उगा दो, सब कुछ इंश्योर कर लिया। दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन को मैनेज करोगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जब आप उगा रहे हो तो उस टाइम पे क्या क्या काम करना है जिससे आपकी पैदावार या बोल दो क्रॉप की यील्ड इंप्रूव हो जाए। तो तीन तरीके हैं आपके, देयर आर थ्री टाइप टू मैनेज द प्रोडक्शन। पहला तरीका आपका खरीफ क्रॉप, जो तीन तरीके की क्रॉप होती है, देखो सबसे पहली जो क्रॉप होती है वो होती है खरीफ। देखो कैसे याद रखना है, सबसे पहला होता है आपका खरीफ। खरीफ मतलब आप बोल सकते हो बहुत इजी है, ग्रो इन जुलाई और अक्टूबर में इसको काट लो, मतलब जुलाई में होगा और अक्टूबर में काट लो, समझ में आ गई बात। मतलब आप बोल सकते हो कि मॉनसून क्रॉप बोल सकते हो इसको, खरीफ को मॉनसून या समर और मॉनसून के बीच का क्रॉप। नेक्स्ट होता है रबी क्रॉप, या अगर कोई खरीफ का एग्जांपल पूछे, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में वैरायटी कर दी, अब हम प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप एग्जांपल, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल बहुत बार पूछा जाता है। राइस आपका एग्जांपल होता है, आपका मेज जो होता है वो आपका खरीफ का एग्जांपल होता है, कॉटन एग्जांपल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका रबी क्रॉप, ये विंटर क्रॉप होती है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक इसको ग्रो करके काट लिया जाता है। इसके एग्जांपल याद रखना आप वीट, गेहूं, दूसरा आप मस्टर्ड, सरसों, और तीसरा चना, ठीक है, जिसको ग्राम बोलते हैं, समझ में आ गई बात। ये आपके रबी और खरीफ के एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव फर्दर, जयात। ओके, जयात जो क्रॉप होती है वो मार्च से उगाई जाती है, मार्च में उगाई जाती है और जून में काट ली जाती है। इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं उगती है, बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया और आपके जो खीरा, ककड़ी, कुकंबर वगैरह, जो ऐसी चीज जो सैलड के फॉर्म में यूज की जाती है, वो चीज आप जयात के अंदर उगा देते हो। क्लियर? मार्च से जून, याद रखना मार्च से जून तक ग्रो किया जाता है, और फोडर मतलब जितना भी चारा जो होता है वो जायद के अंदर ही उगाया जाता है, समझ में आ गया, मार्च से जून तक। और जो आपकी खरीफ थी वो जुलाई से अक्टूबर तक, और अक्टूबर के बाद में जो उगाई जाती है, जो फेब में काट ली जाती है, वो राबी होती है। ये याद रखना है, जायद, राबी एंड खरीफ। तो राबी जो होता है विंटर का मान लेते हैं, और जो खरीफ होता है मानसून और समर का मिक्स होता है, और जायद जो होता है वो आपका मार्च जून दो के बीच में उगा दिया जाता है। क्लियर? अब ये आपको समझ में आ गया क्लियरली। अब यहाँ पे देखेंगे तीन तरीके की आपने क्रॉप देखी, अब मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं हम, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और क्रॉप के बारे में हमने देख लिया कि तीन तरीके की क्रॉप होती है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मतलब या बोल दो कि न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। जस्ट वी नीड द फूड फॉर डेवलपमेंट ग्रोथ एज वेल बीइंग प्लांट ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। मतलब आपने बीज लगा दिया, बहुत अच्छा बीज है,
आपने राबिक का बीज लगाया, मान लो खरीफ का लगाया या जयाद का लगाया, आपने बीज लगा दिया बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आपने उसकी ग्रोथ के लिए, उस बीज की, उस सीड की ग्रोथ के लिए आपने उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया, प्रॉपर वाटरिंग नहीं की, तो वो आपको डिजायरेबल क्रॉप नहीं देगा। क्लियर होगी बात? तो आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टुवर्ड्स द यील्ड, यील्ड के लिए आपको कुछ एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। मोटा मोटी बात यही है कि आपने, आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। तो सबसे पहला आपने काम किया, क्या किया, आपने वैरायटी चुनी, मतलब कि बेस्ट आप सीड लेके आए, सीड लेके आगे, सीड आपके पास में है, अब उस सीड को आपने जमीन में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ने के बाद में अब वो सीड किसका हो सकता है, खरीफ का हो सकता है, खरीफ के बारे में आपको पता है कि ये आपका मानसून का है, हो सकता है वो राबी का हो जो कि विंटर में उगाया जाता है, हो सकता है वो जयाद का हो जो कि आपका, आपका जो राबी होता है और खरीफ होता है उसके बीच में उगाया जाता है। अब भी आपको तीनों के बारे में जानकारी है, अब आपने उगा दिया, हो सकता है तीनों में से कोई भी, आपने उगा दिया, उसके बाद क्या, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको जैसे ग्रो होने के लिए फूड की जरूरत है, सिमिलरली प्लांट को ग्रो होने के लिए भी एक सप्लाई चेन, इसकी न्यूट्रिशन की सप्लाई चेन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आपने उसको क्या दिया, आपने उसको न्यूट्रिशन दिए, पानी दिया, वाटर दिया, सब कुछ दिया और न्यूट्रिशन लेके प्लांट ग्रो कर गया। उसके बाद क्या करना है, देखो देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स, तो 16 तरीके के न्यूट्रिएंट्स है जो किसी भी एक प्लांट को एसेंशियल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखेंगे हवा से जो मिलते हैं, जो न्यूट्रिएंट हवा से मिलते हैं वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन, याद रखना है इनके नाम याद रखने हैं। दूसरा होता है वाटर से हाइड्रोजन मिल जाता है, तो 3 तो ये हो गए, क्लियर, मतलब एयर से जो मिलता है वो कार्बन और ऑक्सीजन, दो न्यूट्रिएंट्स तो ये हो गए। उसके बाद वाटर से हाइड्रोजन मिल गया, इसके बाद आता है सॉइल से, सॉइल से 13 तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका N जिसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सल्फर, इसके बाद में आयरन, उसके बाद में होता है आपका बोरोन, उसके बाद में होता है यहाँ पे आपका मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन, क्रोमियम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कितने तरीके के आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, 16 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो आपको एयर से मिल गए, वाटर से हाइड्रोजन मिल गया और सॉइल से 13 अदर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल गए, जिनमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये एग्जाम में आ जाता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट क्या क्या है। तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन जो होता है, फॉस्फोरस होता है आपका, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कहां से मिलते हैं, आपके सॉइल से मिलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन, इन तीनों के अलावा सब कुछ सॉइल से लेता है। अगर सॉइल में कमी है तो जो आपने बीज बोया है, जो प्लांट उगेगा, वो अगर सॉइल में इन चीजों की कमी है तो उसके अंदर इन मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, एग्जैक्टली होगी। तो उसको दूर करने के लिए हम इसको आर्टिफिशियली डालते हैं, कैसे डालेंगे वो देखेंगे। हम दो तरीके से यूज करते हैं, मैन्योर यूज कर लेते हैं, मैन्योर किसको बोलते हैं देखेंगे, और फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। मैन्योर मतलब खाद बोलते हैं, खाद, और फर्टिलाइजर भी खाद है लेकिन केमिकली बना हुआ खाद, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है कि किसी भी काउ डंग को या फिर ऐसा ऑर्गेनिक चीज, मतलब गाय के गोबर को, भैंस के गोबर को डाल दिया एक जगह पे, वो अच्छे से सड़ा, सड़ने के बाद में उसके अंदर क्या हुआ, वो कंपोस्ट बन गया, वो मैन्योर बन गया, उसको आपने मिट्टी में डाल दिया, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए, जो आपने बीज डाला था उसको चाहिए, वो मिल जाते हैं, फिर वो इजिली ग्रो कर पाता है, इजिली ग्रो कर पाता है, तो हमको एक अच्छा अमाउंट, अच्छा एक आपको प्लांट मिलता है, अच्छे उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, आप जब कंज्यूम करते हो आपको भी न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो मैन्योर का मतलब आपको ध्यान रखना है, मैन्योर का मतलब होता है, मैन्योर इज अ मेड अप ऑफ प्लांट एनिमल वेस्ट, मतलब प्लांट और एनिमल वेस्ट को डाल दो एक क्या करके, गड्ढा करके, और उसको सड़ने दो, सड़ने के बाद उसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगा, न्यूट्रिशन आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लांट्स के लिए या फिर बोल दो कि सॉइल के ऊपर बिखेर देंगे, डाल देंगे, जिससे आपका क्या होगा, आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सॉइल की, जो आप सीड लाओगे डालोगे वो उसका उगने के या फिर उसके हेल्दी होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर होती है बात? आपने नहीं देखा तो कुछ ऐसा होता है मैन्योर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मैन्योर। क्लियर होगी बात? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे मैन्योर के अलावा एक और चीज यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब आप बोलोगे कि वर्मी क्या है? देखो वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि कीड़े होते हैं छोटे छोटे ऐसे, आपने पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसा होता है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट नहीं लेकिन आपने कीड़े तो देखे होंगे, ऐसे दिखाई देते हैं कीड़े। ये क्या करते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, जो आपने प्लांट वेस्ट रखा था, ठीक है, जो आपने प्लांट वेस्ट रखा था और जो आपने एनिमल वेस्ट रखा था उसमें कीड़ों को छोड़ देता है, इन कीड़ों का नाम होता है वर्मी। और ये क्या करते हैं, खाते हैं और निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को ये बहुत जल्दी करते हैं, कम से कम 18 से 20 दिन के लिए इनको छोड़ दिया जाता है, फिर इनको दोबारा से खेत में डाल देते हैं। अब क्या होगा, जो फर्टिलिटी होगी वो 20 गुना हो जाती है फर्टिलिटी, तो ये भी एक मैन्योर का ही पार्ट है वर्मी कंपोस्ट, याद रखना है व्हाट इज द वर्मी कंपोस्ट। एक होता है ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर का मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। देखो ग्रीन मैन्योर का मतलब है कि सब सिर्फ एक प्लांट लिया, प्लांट को काटा, उसमें से जो निकालना था निकाल लिया, बाकी के पार्ट को खेत में छोड़ दिया गलने के लिए, सड़ने के लिए, और वो यूज हो गया एज अ मैन्योर, एज अ खाद की तरह वो यूज हो गया, उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर, मतलब एक ऐसा मैन्योर जो सिर्फ ग्रीन प्लांट से ही बना हुआ हो, याद रखना ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। अब हम देखेंगे, देखो नाम आ गया ग्रीन मैन्योर, समझ में आ गया कि जो आपका प्लांट उग रहा था उसको काट के उस खेत में छोड़ दिया, वो सड़ गया गल गया और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर दी उस खेत की, इसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल्स होते हैं, इनको हम खेत में डालते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमने वैरायटी देख ली, अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे
क्वालिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्रॉप की यील्ड हो, पैदावार हो, बढ़े। तो अभी हम यहाँ देखेंगे फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर केमिकली बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, इनमें भी वही माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा सरप्लस में होते हैं। जैसे ही हम डालते हैं तो तुरंत प्लांट को ये मिल जाते हैं। मिलने के बाद में प्लांट क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो हमें रिजल्ट देता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स यूज करना, बार बार यूज करना, ज्यादा अमाउंट में यूज करना इज वेरी हार्मफुल। क्यों हार्मफुल है, अगर आपने ज्यादा यूज किया फर्टिलाइजर तो आपका जो सॉइल है उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल इकट्ठा हो जाएगा, और जब बारिश होगी तो जो पानी होगा वो वाटर नीचे जाएगा, किस में जाएगा, आपके ग्राउंड वाटर में जाएगा नीचे, और वो ग्राउंड वाटर आप पीने के लिए वापस निकालोगे, तो आपकी पूरी की पूरी एक फूड साइकिल के अंदर एक केमिकल फंस जाएगा, और केमिकल फंसने की वजह से आपकी बॉडी को वो इफेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन्योर या फर्टिलाइजर, तो आप बोलोगे फर्टिलाइजर इज नॉट गुड, मैन्योर इज गुड। मैन्योर क्या है, एक नेचुरली बना हुआ खाद है, फर्टिलाइजर एक केमिकली बना हुआ खाद है। काम ये जल्दी करता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, लेकिन ये क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर देता है, पॉल्यूशन कर देता है, अंडरग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन कर देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं बी, दूसरा तरीका, इरिगेशन। इरिगेशन से भी आप क्या करोगे, आपने सॉइल के अंदर बीज डाला था, उसके अंदर मैन्योर भी डाल दिया, लेकिन आपने पानी नहीं डाला, तो पानी नहीं मिलेगा, तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा। प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए हम कौन क्या यूज करते हैं, वी विल यूज द इरिगेशन। देयर आर लॉट ऑफ मेथड टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप। तो कौन कौन से मेथड है, बेस्ट मेथड देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है, इंडिया के अंदर क्या होता है कि बारिश से ही मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बारिश सफिशिएंट नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड सम वाटर डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे मॉनसून होने की वजह से हम यहाँ पे बारिश के ऊपर रिलाई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं रहते, हम और भी पानी डालते हैं। तो हम यहाँ पे पानी डालेंगे, इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, आप वेल यूज करते हो, बोर वेल जिसको बोलते हैं। पहला तरीका इरिगेशन का वेल यूज करना, कुआ यूज करना। दूसरा तरीका होता है नहर यूज करना, कनाल यूज करना। तीसरा तरीका होता है रिवर लिफ्टिंग सिस्टम। रिवर लिफ्टिंग सिस्टम क्या होता है कि जैसे नदी जा रही है आपके गांव के पास से, तो उससे थोड़ा पानी निकाल लिया आपके गांव के खेतों में जाने के लिए, उसको बोलते हैं रिवर लिफ्टिंग सिस्टम। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट होता है टैंक। टैंक बना दिए, जहां पे पानी का सफिशियंट रोल नहीं था वहां पे टैंक बना दिया, और टैंक को वहां पे छोड़ दिया, टैंक में पानी भर दिया और वहां उसको सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक एक को देखेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये सारी चीजें कनाल वेल रिवर्स लिफ्ट सिस्टम सब कुछ। लेकिन जो नहीं समझ में आया होगा वो है आपका यहाँ पे रिवर लिफ्ट सिस्टम। एक बार मैं समझा देता हूँ रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या होता है डिटेल में, हम देख लेते हैं। तो देखो आपके गांव के पास से क्या जा रही थी, एक नदी जा रही थी। उस नदी से एक पानी का एक आपने क्या निकाले, डिस्चार्ज कर लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया। जैसे ही आपने पानी ले लिया उसको यूज कर लिया फॉर इरिगेशन। तो रिवर को, अगर आपको पानी को हाई प्रेशर में पहुंचाना है अपने खेतों तक, तो आपको जो रिवर होगी वो एक हाई एलिमेंट, आप बोल सकते हो कि हाई पॉइंट ऑफ, ये बोल सकते हो कि आपके ऊंची जमीन से उसको पास करानी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम, मतलब रिवर को हाई एक एलिमेंट से पास करवाया और उस एलिमेंट से उसका डिस्चार्ज करवाया और पूरे गांव को पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। आई होप यहां तक क्लियर। अब हम तीसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं जिससे और ज्यादा आप क्रॉप को इंक्रीज कर सकते हो किसी भी खेत में उगने के लिए, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न हो सकते हैं, पहला होता है मिक्स क्रॉपिंग, दो क्रॉप को मिला के उगा दिया, उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब एक के बाद दूसरी क्रॉपिंग करना। तीसरा होता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि क्रॉप एक उगाई, फिर दूसरी उगाई, फिर तीसरी उगाई, फिर चौथी उगाई। बार बार एक को ही आपको रोटेट नहीं करना, रिपीट नहीं करना है, आपको चेंज करते हुए एक ही जमीन पर ज्यादा से ज्यादा वैरायटी की फसल उगानी है, जिससे क्या होगा ज्यादा यील्ड होती है। तो मैं एक एक करके डिटेल में समझा रहा हूं। देखो मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रो टू और मोर क्रॉप टुगेदर, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक साथ उगा देना, उसको बोलते हैं हम मिक्स क्रॉपिंग। एग्जांपल वीट और चने को, मतलब गेहूं और चने को एक साथ उगा देना, गेहूं और सरसों को एक साथ उगा देना। दिस क्रॉपिंग रिड्यूस द रिस्क, जैसे अगर आपका गेहूं खराब हो गया तो मस्टर्ड तो बच गया, अगर आपका चना खराब हो गया तो गेहूं तो बच गया। इस तरीके से दो को मिला के एक ही खेत में उगा दो, इससे क्या होता है आपके रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो इस तरीके से इनको मिला देता है, एक ही खेत में एक ही टाइम पे दो को उगा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है ग्रो टू और मोर क्रॉप इन अ डिफाइंड वे इन अ सेम फील्ड। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ पे दो फसल को उगाया जाता है लेकिन इस तरीके से एक साथ नहीं उगाया जाता है। कैसे उगाया जाता है, ऐसे एक लाइन में, एक पूरे के पूरे एक सेट ऑफ लाइन में आपका कोई भी एक उगा दिया, बाजरा उगा दिया, और दूसरी लाइन में आपका लोबिया उगा दिया, इस तरीके से सोयाबीन और मेज, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से बट एक ही फील्ड के अंदर उगा देना, इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ऊपर वाले को बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, इसमें रैंडमली कहीं पे भी डाल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन, ग्रो डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। मतलब एक टुकड़ा है, मान लो कहीं पे एक टुकड़ा है, वहां पे अ क्रॉप रोटेशन कैन हेल्प मैनेज योर सॉइल एंड फर्टिलिटी, रिड्यूस इरोजन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर एक टाइम पे एक ही तरीके की, एक तरीके का आपने क्रॉपिंग का यील्ड किया, फसल उगाई, फिर दूसरे टाइम पे उसको रिपीट नहीं किया आपने, दूसरा उगाया दूसरे तरीके का, उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं वो एक तरीके की क्रॉप क्या करती है, कंज्यूम करती है, फिर दूसरी उगाते हो तो दूसरे तरीके के न्यूट्रिशन दूसरी जो क्रॉप होती है वो कंज्यूम करती है। तो ये तीन तरीके हैं जो कि क्रॉपिंग पैटर्न, इनको बोला जाता है। पहला मिक्स, मतलब दो को मिला के उगा देना, इंटरक्रॉपिंग मतलब दो को उगाना बट डिफाइंड वे में उगाना, और तीसरा होता है यहाँ पे क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, वही है ग्रो डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। मतलब एक छोटा सा फील्ड है, इस पे पहले आपने बाजरा उगाया लेकिन दोबारा बाजरा नहीं उगाना, यहाँ पे दूसरा ही उगाना है, फिर तीसरे टाइम पे भी डिफरेंट काइंड और चौथे टाइम पे भी डिफरेंट काइंड, इससे जो क्रॉप ग्रो करेगी उसकी फर्टिलिटी हाईएस्ट होगी। क्लियर होगी बात, ओके।
लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अभी हमने प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देखा, सबसे पहले आपको मैंने वैरायटी दिखाया, वैरायटी में आप क्या लेके आए, गुड सीड, अच्छा सीड लेके आए, उसके बाद उसको आपने खेत में डाल दिया, तो आपने उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो जो कर सकते थे वो आपने किया, उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब आपका जो फसल था वो उग गया, आपके घर पे आ गया बहुत अमाउंट में, अब उसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट क्रॉप। तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किन किन चीजों से आपको प्रोटेक्ट करना है, तो देखो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से उसको प्रोटेक्ट करना है। बायोटिक फैक्टर जैसे आपका इंसेक्ट हो गए, फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, और एबायोटिक मतलब कि मॉइस्चर से, टेम्परेचर से, इन सब से आपको उसको प्रोटेक्ट करके रहना है, नहीं तो जो आपने मेहनत करी वो बेकार हो जाएगी। तो किस किस तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं यही हम यहाँ पे देखने पाए। सबसे पहला तरीका है कि आप मॉइस्चर फ्री वेयर हाउसेस बनाओ, यूज प्रॉपर केमिकल टू प्रोटेक्ट द बायोटिक फैक्टर्स, अच्छे केमिकल्स यूज करो जिससे उसके ऊपर कोई भी आपका इंसेक्ट, फंगाई, बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक ना करे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इतनी बात होती है, यहां तक हमने देख लिया कंप्लीट, क्या देखा हमने, हमने सब कुछ देखा अबाउट द प्लांट, प्लांट से मिलने वाले न्यूट्रिशन को हम किस किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने बताया वैरायटी इंप्रूव करना, प्रोडक्शन इंप्रूव करना और प्रोटेक्शन करना, मतलब उसका वैरायटी को इंप्रूव करना, प्रोडक्शन को मैनेज करना और प्रोटेक्शन को मैनेज करना। नाउ वी विल सी द एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। देखो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है, अब हम उस फूड रिसोर्स की बात करेंगे जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है, तो एनिमल्स की बात होने वाली है यहाँ पे। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जल्दी जल्दी बताओ, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि आपको क्या देते हैं, आपको फूड रिसोर्स की तरह फूड प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है मिल्क जो होता है वो भी आपका क्या है, एक फूड रिसोर्स ही है, एग जो है वो भी फूड रिसोर्स ही है। तो उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं और किस किस तरीके से उसको हम इंप्रूव करने वाले हैं, चलो देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या की डेफिनेशन क्या होगी, एनिमल हस्बेंड्री इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, मतलब साइंटिफिक प्लस में मैनेजमेंट, अगर दोनों चीज मिला दो और एनिमल्स का पालन पोषण करोगे टू गेट द फूड। देखो सुनने में बुरा लगता है लेकिन वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द एनिमल्स ऑल्सो, हम फूड नहीं खाते क्या, खाते हैं ना एनिमल से, कितने लोग चिकन खाते होंगे, वो भी एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट हो गया। जो मिल्क है वो भी तो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसका एनिमल लाइफ स्टॉक का, जिसे हम फूड की तरह कंज्यूम करते हैं। तो किस किस तरीके की फार्मिंग होती है एनिमल हस्बेंड्री में, सबसे पहला होता है कैटल, मतलब दूध दूध पीने के लिए जो गाय भैंस पालते हैं उनको हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग। नेक्स्ट होता है पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन वगैरह अंडे अंडे लेने के लिए चिकन पालते हैं उनके लिए। नेक्स्ट होता है फिश प्रोडक्शन, फिश को कंज्यूम किया जाता है तो फिश का प्रोडक्शन भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। बी कीपिंग, मधुमक्खी से आप जो शहद लेते हो वो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। तो एक एक को देखते हैं अच्छे से, सबसे पहले हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग। कैटल क्या है, कैटल का मतलब यह है, कैटल मतलब जो आपके बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे पशु, ऐसे एनिमल्स जो आपको क्या देते हैं, दूध देते हैं। देखो कैसे कैटल फार्मिंग डन ड्यू टू टू पर्पस, दो तरीके के लिए, दो चीजों के लिए कैटल फार्मिंग करते हैं। पहला मिल्क के लिए किया जाता है, मिल्क के लिए तो किया जाता है, सबको पता है कि मिल्क के लिए किया जाता है। साथ में जो लेबर वर्क होता है ना, डॉट लेबर वर्क, पहले किया जाता था, अभी तो बंद कर दिया लेबर वर्क आपके कैटल से करवाना, पहले तो किया जाता था बैल से, यू नो कोलू का बैल सुना होगा ना, तो जो लेबर वर्क था वो पहले कैटल से करवाया जाता था, अभी नहीं करवाया जाता, अभी मशीन है। जो मिल्क है वो तो भाई आप मशीन से बना नहीं सकते, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो अभी हम मिल्क के लिए ज्यादा यूज करते हैं। इंडियन कैटल बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज, दो स्पीसीज से ही आपका जो इंडियन कैटल है वो डिपेंड करता है। कौन कौन सा, पहला होता है आपका बोस इंडिकस, देखो BOS ये याद रखना, और इंडिकस, ठीक है, इंडिकस, बोस इंडिकस एक पहली स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाली जाती है, जिसको आप बोल सकते हो काउज की स्पीसीज है, ठीक है, BOS इंडिकस, समझ में आ गई बात। दूसरा है आपका बोस ब्यूबालिस, दूसरा है जो बफेलोज होती हैं वो उनकी जो स्पीसीज है जो इंडिया में पाली जाती है वो है BOS ब्यूबालिस, तो बोस ब्यूबालिस, ठीक है, कंप्लीट नॉट, दिस इज नॉट बोस, दिस इज बोस, बोस ब्यूबालिस। तो दो तरीके की स्पीसीज है जो पाली जाती है जिनसे हम मिल्क लेते हैं, तो काऊ के लिए इंडिकस यूज किया जाता है और बफेलोज के लिए ब्यूबालिस यूज किया जाता है। तो मिल्क जो होता है प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड द माइल्ड एनिमल्स, ओके, या फिर डेयरी एनिमल्स उनको बोलते हैं, ठीक है, माइल्ड एनिमल या डेयरी एनिमल, जो दूध के लिए पाली जाती है, दूध उनसे लिया जाता है, उनको हम डेयरी एनिमल्स ही बोलते हैं, एग्जैक्टली, क्लियर। और जो लेबर के लिए पाली जाती है उनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल, ऐसी बोल सकते हो बफेलो या काऊ जो दूध नहीं दे रही है, सिर्फ लेबर का काम करेगी, इतनी बात आती है समझ में। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड ऑन द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको जो शब्द समझना है वो समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। देखो लैक्टेशन पीरियड वो समय होता है कि आज गाय ने अपना बच्चा दिया, बच्चा देने के दिन से वो दूध देना स्टार्ट करती है और कुछ दिन तक वो दूध देती है, कोई गाय 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो जितने दिन तक उन्होंने क्या दिया, मिल्क का प्रोडक्शन किया, उस टाइम को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, समझ में आगे बात। तो ये आपको याद रखना है कि लैक्टेशन पीरियड होता है जब तक वो दूध देती है, समझ में आगे बात, ओके।
एक्सोटिक या फिर बोल दो फॉरेन ब्रीड्स होती है उनका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है काउज में भी और आपके बफेलोज में भी, जो जो आपके एक्सोटिक मतलब जो बाहर से लाई जाती है, और उनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो ज्यादा होने की वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है एक बच्चे देने के बाद से। लैक्टेशन पीरियड मैंने आपको पहले भी बताया, एक बच्चे के बाद से जितना दिनों तक वो मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है उन दिनों को हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ओके। जो लोकल ब्रीड होती है जैसे इंडियन की है, इंडियन ब्रीड की जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट लैक्टेशन पीरियड होता है। और दूसरी चीज हाई डिजीज रेजिस्टेंस होता है, जैसे हाई डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब इजीली उनको कोई भी वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर होगी बात? तो हाई आपका डिजीज रेजिस्टेंस होने की वजह से वो क्या करती है, वो फाइट करती है अगेंस्ट द डिजीज। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल अगर मैं दूं किसी भी एक लोकल ब्रीड का तो वो होता है रेड सिंधी और सहीवाल। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बफेलो है, रेड सिंधी और सहीवाल, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नाम बताओ इंडिया की किसी भी एक ब्रीड का, तो रेड सिंधी एंड सहीवाल जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है लेकिन लेस आपका मिल्क प्रोडक्शन कर पाती है। ठीक है, टू गेट बेस्ट कैटल वी जस्ट डू द क्रॉस ब्रीड बिटवीन दैम। तो देखो एक जो है जो कि आपके एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड है उसके अंदर दूध ज्यादा है और इंडियन जो ब्रीड है उसके अंदर डिजीज से बचने का ताकत ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्शन करवा देंगे, क्रॉस ब्रीड करवा देंगे। तो क्रॉस ब्रीड से क्या निकलती है, जर्सी, सुना होगा जर्सी काउ जर्सी बफेलो, तो जो जर्सी निकलती है वो दोनों के बीच का क्या है, आपका क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड होने की वजह से इनके अंदर हाई आपका डिजीज रेजिस्टेंस भी होता है और हाई मिल्क प्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट आपका सहीवाल जो काउ है वो आपका ऐसा दिखाई देता है, आप देख लो ये आपका इंडियन ब्रांड है, दिस इज इंडियन ब्रांड। ओके, तो ये एग्जांपल है, ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखना है। तो हम क्रॉस ब्रीड से क्या मिलता है, हमको मिलता है यहाँ पे जर्सी नाम, जर्सी याद रखना, दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया कि जो इंडियन ब्रीड होती है उसका डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और जो बाहर की होती है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, दोनों को मिला के एक जर्सी फॉर्मली निकाला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे उनकी टेक केयर करें, कैसे ध्यान रखें कैटल्स का, क्या क्या करना चाहिए। देखो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए शेल्टर में जहाँ पे रहते हैं वो, उसके कोई भी डिजीज लगने के चांसेस नहीं होने चाहिए। रेगुलर ब्रश होना चाहिए बॉडी के ऊपर और हाई फाइबर और प्रोटीन वाला फूड होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। क्लियर होगी बात? इस तरीके से हम अच्छा कैटल प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग। देखो कैटल का समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब अंडे देने, अंडे देने वाला मुर्गियों का देखेंगे। तो मुर्गियों के अंदर क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्स और साथ साथ चिकन मीट। चिकन मीट के लिए पालते हैं और एग्स के लिए पालते हैं पोल्ट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके की पोल्ट्री फार्मिंग होती है। पहला जो होता है वो होता है सिर्फ अंडे देने वाला, जिसको बोलते हैं लेयरर्स। याद रखना, जो सिर्फ अंडे देता है उसको क्या बोलते हैं, लेयरर्स, सिर्फ और सिर्फ अंडे देता है। क्लियर? और एक होता है जिसको सिर्फ हम क्या बोलते हैं, चिकन मीट के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रॉयलर्स। तो ऐसा पोल्ट्री फार्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंडे देने वाले को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं लेयरर पोल्ट्री फार्म, और जो सिर्फ ब्रॉयलर्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चिकन मीट के लिए यूज होते हैं, उनको ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म्स बोलते हैं। तो हम पोल्ट्रीज पालते ही क्यों है, या तो अंडा लेने के लिए या फिर चिकन लेने के लिए। तो अंडा जो देते हैं उनको ले करते हैं ना, एग्स ले करते हैं, तो उनको हम लेयरर बोलते हैं। जो चिकन के फॉर्म में, चिकन मीट के फॉर्म में यूज होते हैं, उनको हम ब्रॉयलर बोलते हैं। क्लियर? दो अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे सिस्टम होता है, पोल्ट्री दो अलग अलग तरीके की फार्मिंग करती है। पोल्ट्री फार्मिंग दो अलग तरीके से होते हैं, सिर्फ अंडे वाले इसको लेयर्स बोलते हैं, जो ब्रॉयलर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चिकन मीट आपको प्रोवाइड करती है। अब कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, देखो वही है कि आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, क्रॉस ब्रीड करवा सकते हो, क्रॉस ब्रीड बिटवीन द इंडियन किसी भी ब्रीड का नाम आपसे पूछे तो इंडियन ब्रीड का नाम है असील, ASEEL, और फॉरेन ब्रीड है जिसको बोलते हैं लेग हॉर्न। तो याद रखना है इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाते हैं और हम क्या करते हैं, एक नई तरीके की यहाँ पे क्या निकालते हैं, एक नए तरीके के एक नस्ल निकालते हैं, नई तरीके की फार्मिंग निकालते हैं। तो इनमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ पे जो ये वाली पिक्चर है, दिस इज कॉल्ड द असील और दिस इज कॉल्ड द लेग हॉर्न। दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाते हैं जैसे जो नया निकलेगा वो नंबर ऑफ चिकन्स ज्यादा होते हैं, उनके अंदर समर अडेप्टेशन ज्यादा होती है और एक ले करने की ताकत भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों के बीच में दिस इज कॉल्ड द असील, याद रखना ASEEL, और जो लेग हॉर्न होता है ये फॉरन होता है, फॉरन ब्रीड होती है, इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाई जाती है। इस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फिश की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो फिश एक चीप सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है, मतलब इजीली अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब फिश से आप ले सकते हो, तो आसानी से मिलने वाला एक सोर्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिश प्रोडक्शन कैन बी डन बाय टू मेथड, दो तरीके से आप फिश को प्रोड्यूस कर सकते हो। पहला नेचुरल बॉडी जो होती है उसके अंदर डाल सकते हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कल्चर फिशिंग जिसको बोलते हैं, मरी कल्चर का मतलब होता है कि जो नेचुरल आपका रिजर्वोयर है, पानी है, वहां पे फिश हो रही है, वहां से जाके पकड़ लो और उनको खाना खिलाओ और जाके पकड़ लो, फिर उनको मतलब ये प्रोडक्शन करते जाएंगे, आप पकड़ते जाओगे। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ,
प्रोटेक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे कि सी वाटर में मिलने वाली कौन सी ऐसी है फिश जिसका फेमस नाम है, तो TUNA ये सी वाटर में समुद्र के पानी में मिलने वाली, या बोल सकते हो नेचुरली नेचुरल सोर्स में मिलने वाली एक फिश है। नेक्स्ट आप बॉम्बे डक, ये भी एक नेचुरल, आप बोल सकते हो कि बॉम्बे के अंदर मिलती होगी तभी इसका नाम बॉम्बे डक रखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल सकते हो कि प्रॉन्स जो होते हैं वो भी आपके नेचुरली जो रिजर्व होते हैं उनके अंदर उगते हैं, या फिर बोलते हो कि प्रोड्यूस होते हैं, उगते नहीं है प्रोड्यूस होते हैं, एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में होता है यहाँ पे नाम है आपका बेतकी, BHETKI बेतकी नाम बोलेंगे इसको, बेतकी, ठीक है। तो ये नेचुरल रिजर्वायर से प्रोड्यूस होने वाली फिशेस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इनलैंड फिशरीज, मतलब कैप्चर फिशिंग या फिर एक्वा फिशिंग जिसको बोलते हैं, पहले मरी कल्चर था, ये एक्वा कल्चर है या एक्वा फिशिंग है। इसमें क्या होता है कि आप खुद एक टैंक बनाते हो बहुत बड़ा, उसके अंदर फिश को रखते हो, उसके अंदर फिश को रखते हो और उसके अंदर उसको फूड देते हो, न्यूट्रिशन देते हो और उसको फिर एक फूड की तरह आप यूज करते हो। इस तरीके से हम इसको यूज करें, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। दिस कल्चर डन इन द प्लेस वेयर द फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज वेल एज लिटिल अमाउंट ऑफ सी वाटर आल्सो प्रेजेंट, क्योंकि लिटिल अमाउंट ऑफ सी वाटर जरूरी है, क्यों, क्योंकि आदत तो मछलियों को समुद्र के पानी में जीने की है ना, वो तो हैबिचुअल हो जाती है उसकी, तो हमको चाहिए चाहिए। तो इनलैंड में आप एक पॉन्ड बना दोगे, उसके अंदर पानी डालोगे, उसके अंदर फिशेस को डालोगे, उसके अंदर उनको खाना दोगे और वो बढ़ती जाएंगे, आप उनको बेचते जाओगे या खाते जाओगे, ठीक है। इनलैंड फिशर कल्चर आल्सो डन इन राइस क्रॉप, हाँ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, जहां पे राइस उगाई जाती है वहां पानी भरा होता है, तो हम कुछ ऐसी फिशेस की क्वालिटी, कुछ ऐसी फिशेस होती है जिनको हम लाके राइस क्रॉप के जो पानी भरा हुआ है वहां पे छोड़ देते हैं तो वो ग्रो होती है। तो आपको देखो राइस की राइस मिल गई, चावल का चावल मिल गया, साथ में फिश जो होती है वो भी ग्रो कर गई, तो दो चीजें आपको एक साथ मिल रही है। फ्रॉम मोर इंटेंसिव फार्मिंग इनलैंड फार्मिंग वी शुड गो विद द कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट मतलब दोनों तरीके की फिश कल्चर आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है।